नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अब किन्नर ट्रांसजेंडर पार्किंग शुल्क वसूल करते नजर आएंगे। थर्ड जेंडर को मुख्य धारा में शामिल करने की पहल के हिस्से के रूप में भुवनेश्वर नगर निगम BMC ने पार्किंग शुल्क संग्रह के लिए ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित NGO TG स्वीकृत को स्मार्ट सिटी में दो प्रमुख पार्किंग स्थल NGO द्वारा की गई अपील को मंजूरी देते हुए BMC कमिश्नर प्रेम चंद्र चौधरी ने गुरुवार को यहां एक विशेष समारोह में ट्रांसजेंडर की BMC के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ अब एक विशेष एप्रन पहनने के साथ एक बैग लेकर NGO के सदस्य शहर के दो मुख्य पार्किंग स्थल से फीस एकत्रित करेंगे। पहले पार्किंग लॉट में राजमहल से मास्टर कैंटीन चौक के बीच का क्षेत्र शामिल है, जिसमें चार पार्किंग स्थल है। पहला पार्किंग स्थल खादी शोरूम के सामने से श्री लेदर शोरूम के सामने तक, दूसरा होटल रॉयल मिड टाउन से आर्य पैलेस तक, तीसरा अशोक मार्केट से सिटी रेसिडेंसी तक एवं चौथा रॉयल मिड टाउन के सामने से नारायण आयुर्वेदिक भवन शोरूम तक बनाया गया है। दूसरे पार्किंग लॉट में मास्टर कैंटीन से श्रीया चौक तक का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में 5 जगह पर पार्किंग स्थल बनाया गया जो इस प्रकार है। इसमें होटल स्वास्थ्य के सामने मौजूद खारवेल नगर स्थान इपरी सदाशिव ज्वेलर्स के पास मौजूद खारवेल नगर पार्किंग जोन ऑफ स्ट्रीट नरूला जनरल स्टोर के सामने से PC चंद ज्वेलर्स तक खारवेल नगर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, गोदावरी साहित्य संसार के सामने मौजूद खारवेल नगर पार्किंग जोन ऑफ स्ट्रीट और होटल केसरी के सामने खारवेल नगर पार्किंग जोन ऑन स्ट्रीट शामिल है। BMC उपायुक्त श्रीमंत मिश्रा ने कहा कि इस पार्किंग लॉट का ट्रांसजेंडरों को 2 महीनों के लिए प्रायोगिक आधार पर दिया गया है। पहली पार्किंग के लिए मासिक फीस 2.23 लाख रुपया, जबकि दूसरी के लिए मासिक फीस 1.46 लाख रुपया तय की गई है। संबंधित संगठन 1 महीने पूरा होने के बाद BMC को पैसा का भुगतान करेंगे। NGO TG स्वीकृत ने असाइनमेंट के लिए 7,380 रुपया सिक्योरिटी जमा की है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।